साइड से काफ़ी लॉस है, और ये लॉस आप देखेंगे इसका कारण जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि आगे वाली गाड़ी जाने ने ब्रेक लगाया, जिससे ये गाड़ी पीछे जाके उससे टकरा गई। आप देखेंगे कितना लॉस, सीवियर लॉस है इसका। कैबिन पीछे से भी डैमेज है, और इसकी कैबिन की जो छत है वो भी आप देख रहे हैं डैमेज हुई है पूरी। नीचे से आप देखिए कैबिन के फ्लोर की स्थिति, और ये कैबिन के अंदर की स्थिति। अंदर से आप देखिए डैशबोर्ड टूट गया है, अंदर से स्टीयरिंग, पूरे स्टीयरिंग इंस्ट्रूमेंटल पैनल, और इसके नीचे के जो गियर हाउसिंग है वो पूरे का पूरा टूट गए हैं। ये देखिए कैसे आके नीचे, और प्रोपेलर शाफ्ट सब चीज़ें। बैटरी दोनों सेफ है, सेल्फ स्टार्टर स्टार्टर भी सही लग रहा है। ये व्यू यहाँ से का राइट साइड से व्यू है, सीट्स और जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग व्हील पूरा मुड़ गया है, इंस्ट्रूमेंटल पैनल, और आप ये देखिए क्या स्थिति हो गई है इसकी। स्टीयरिंग रॉड मुड़ गई है, एबीसी पैडल्स पे भी इम्पैक्ट है। ये देखिए ना, ये भी डैमेज है और लीक कर रहा है। चेसिस में भी इम्पैक्ट है, गियर हाउसिंग, ये फ्रंटल इम्पैक्ट है, रेडिएटर, इंटरकूलर, जो फ्रंट के कैबिन शॉकर्स हैं ये सारे इम्पैक्टेड हैं, डैमेज हो गए हैं। चेसिस में भी काफ़ी बेंड है, देखिए चेसिस में बेंड है। जो उसका फ्लोर है वो पूरा डैमेज हो गया। आज ये 4018 जो गाड़ी एक्सीडेंटल गाड़ी थी जिसका कल हमने देखा था, इसका पूरा डिसमेंटल हो गया ये, और डिसमेंटल करने के बाद डैशबोर्ड को अलग रखा गया है और इंजन के सारे पार्ट्स को अलग रखा गया है। देखिए क्या व्यू है इसका डिसमेंटल करने के बाद। ये डैशबोर्ड के व्यू देखिए, नीचे से कितना जबरदस्त डैमेज है। ये हमने कल पोजीशन देखी थी, आज आपको और वहाँ से स्टीयरिंग के वहाँ से पूरा दिख जाएगा। आपको आज और कंडीशन क्लियर व्यू आएगा इसका पूरा। फ्लोर का व्यू है, देखिए अब कितना जबरदस्त डैमेज हुआ। एक्सीडेंटल व्यू, ये पूरा डिसमेंटल हो गया है, चेसिस, इंजन और गियर असेंबली। ये आप देखिए कैसे इसके चेसिस में ज़बरदस्त इम्पैक्टेड है, और ये इंटरकूलर की हालत और रेडर की हालत आप देख ही रहे हैं कितना ज़बरदस्त है। और ये देखिए चेसिस कितना बैडली इम्पैक्टेड है, दोनों साइड के जो मेम्बर्स हैं, वो बिल्कुल कर्व्ड हो गए। ये सेल्फ की पोजीशन है, देखिए फ्लाईव्हील हाउसिंग पूरा डैमेज हो गया है, अंदर से भी आप देखेंगे स्प्रिंग्स और डैमेज। ये देखिए टाइमिंग जो है पूरा कवर प्रेस हो गया है, यहाँ से भी फ्रैक्चर है।
ये गियर हाउसिंग है, गियर हाउसिंग का भी आप देखेंगे। पूरा फ्लाईव्हील कवर डैमेज हो गया है, बाकी हम लोग अंदर खोलेंगे तो और मालूम पड़ेगा कि क्या इफेक्ट है। ये विजुअली सही लग रही है, वो भी आप देखेंगे यहाँ से क्रैक्ट है। अभी खोल के हम आपको और दिखाएंगे। अंदर से जो व्यू लग रहा है वो तो लगभग सब कुछ सही लग रहा है, सिर्फ कवर जो है वो बैंड हो गया, यहाँ से टूटी हुई है। टूट गई और इसका एक हिस्सा जो है वो यहाँ पर रहेगा। ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट जो दोनों आपने देखे डैमेज हो गई हैं, इसको ओपन करके देख रहे हैं और कोई डैमेजेस तो नहीं आ गए। हाउसिंग भी टूटी हुई है, यहाँ से हाउसिंग प्लेट भी टूटी हुई है। सेम गाड़ी 4018 जो एक्सीडेंटल गाड़ी थी जिसमें चेसिस और डैशबोर्ड काफ़ी ज़बरदस्त डैमेज था, आज जिसमें देखेंगे आप चेसिस जो है वो डिस्पोजल चेसिस से इसको रिप्लेस किया गया है और कई सारे पार्ट जो डैमेज थे वो भी आप देखेंगे रिप्लेस किए गए हैं। ये देखिए आप, ये प्लेट आपने देखा था, प्लेट डैमेज हो गई थी, बैंड हो गई थी, ये चेंज कर दी गई है। और पंप जो है ये भी, इसकी बॉडी जो है चेंज कर दी गई है। और चेसिस के जो माउंटिंग्स हैं ये देखिए दोनों चेंज हो गई हैं, कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं जैसे पीछे के शॉकर्स हैं। जो पुराना सामान था उस पर रेड निशान लगे हुए हैं, आप देखेंगे वो रेड निशान वही पार्ट्स हैं जो अपन ने पहले देखे थे एक्सीडेंटल डैमेजेस में। टर्बो का काम हुआ है और टर्बो को रिपेयर किया गया है, फ्यूल टैंक अभी तक कुछ किया नहीं गया है इसमें, ये शॉकर नया लग गए हैं, दोनों कैबिन के शॉकर्स हैं। ये वो पुराना चेसिस है जो हमने देखा था इस गाड़ी का था और इसको रिप्लेस किया गया है नए वाले के साथ, सेकेंड हैंड के साथ में, सॉरी डिस्पोजल चेसिस इसमें लगाया गया। गियर की जो हाउसिंग है वो भी डैमेज थी, गियर हाउसिंग को भी चेंज कर दिया गया है और ये आप देखिए गियर हाउसिंग जो है ये रिप्लेस हो गई है, ये गियर हाउसिंग दूसरी लगी है। और पंप भी डैमेज था, पंप भी को रिप्लेस किया गया है। ये आप देखेंगे माउंटिंग सारी वही सेम लगाई गई है, पुरानी है, काफ़ी काम हो चुका है इस गाड़ी में। अभी हमने देखें डैशबोर्ड जो इसका है वो भी डिस्पोजल डैशबोर्ड लगाया जा रहा है, हम लोग उसकी भी फोटो। इसका कैबिन डैशबोर्ड अपन ने देखा था काफ़ी डैमेज था, जो लगभग रिपेयरिंग में काफ़ी दिक्कत आनी थी, लेकिन यहाँ की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। अब आप देखिए इसको कितना शानदार ढंग से इसको रिपेयर किया गया है।
अंदर से भी इसको रिपेयरिंग किया गया है। पूरा पैनल डैमेज था, फ्लोर डैमेज था, फ्लोर को बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक कर दिया गया है। अभी छत का काम बाकी है, तो शाम तक छत का काम भी हो जाएगा। और ये देखिए पीछे से छत का काम बाकी है, जो शाम तक हो जाएगा। का डेंटिंग होने के बाद अभी पूरा पेंटिंग की पोजीशन पर है। बिफोर पेंटिंग की पोजीशन देखिए, छत भी रिपेयर हो रही है। इसकी रूफ की क्या हालत थी, रूफ की रिपेयरिंग होने के बाद क्या परफेक्टली डेंटिंग की गई है इसकी, और अभी पुट्टी का काम चल रहा है। डैमेज था दोनों साइड से, और पीछे रियर वॉल भी डैमेज थी। शॉकर्स डैमेज थे पीछे से दोनों। राइट साइड का व्यू है रिपेयरिंग होने के बाद, कंप्लीट व्यू पूरा पीछे से फ्लोर से डैमेज था काफी डर से। राइट साइड का व्यू है इसका।